कुछ टाइम पहले टाटा मोटर्स की मिनी एसयूवी पंच के एक नई वेरिएंट को रोड टेस्ट करते हुए स्पाई कर लिया गया था, जिसके बारे में मैं आज इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अगर आप पंच और बाकी गाड़ियों से जुड़े कंपेरिजन रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। चलिए फिर 2024 टाटा पंच ईवी की स्पाइड इमेजेस की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप 2024 पंच की साइड कम फ्रंट प्रोफाइल को देख सकते हैं, जहां ये टेस्टिंग वेरिएंट टॉप एंड वेरिएंट था, क्योंकि इस वेरिएंट में अलॉय व्हील्स फिटेड थे। और इस स्पाइड इमेज में आप इसके रियर व्हील्स पर दी गई डिस्क ब्रेक को देख सकते हैं। बाकी इस इमेज में इसके फ्रंट बम्पर के सेंटर में शायद से एक कैमरा दिया हुआ था, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि नई पंच में हमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरास भी मिल सकते हैं। चलिए फिर अगली स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इस टेस्टिंग पंच के ORVM और डैशबोर्ड की झलक देख सकते हैं, जहां इसके ORVM पर भी शायद से एक कैमरा फिटेड था। बाकी इसके इंटीरियर्स में इसकी टच स्क्रीन और ड्राइवर डिस्प्ले एरिया कवर कर रखा था, जहाँ टाटा मोटर्स कोई अपडेट्स दे सकता है इस बार। चलिए अब अगली स्पाइड इमेज की बात करते हैं। इस स्पाइड इमेज में आप इसके स्टीयरिंग व्हील को देख सकते हैं, जो कि अपकमिंग टाटा कार्स के जैसा ही था, फ्लैट बॉटम टू स्पोक स्टीयरिंग, जिस पर माउंटेड कंट्रोल्स भी दिए हुए थे। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स पंच में अच्छे चेंजेस करने वाली है। तो ये तो हो गई अपकमिंग पंच ईवी की नई स्पाइड इमेजेस की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रिक मोटर की बात करते हैं। पंच ईवी में हमें टाटा की बाकी ईवीज की तरह ही 312 किलोमीटर्स की रेंज देने वाला बैटरी पैक मिलेगा, जो कि एसी और डीसी फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटीज रखता होगा। तो ये तो होगी पंच ईवी की इलेक्ट्रिक रेंज की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात करते हैं। पंच ईवी में हमें शायद से स्टैंडर्ड पंच वाले फीचर्स प्लस कुछ और फीचर्स जैसे कि 360 डिग्री पार्किंग कैमराज, न्यू DRLs, न्यू LED हेडलैम्प्स, न्यू अलॉय व्हील्स, न्यू इंटीरियर्स की विद बेटर टच स्क्रीन सिस्टम एंड न्यू स्टीयरिंग व्हील वाले फीचर्स भी मिलें। सेफ्टी में पंच ईवी में हमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और रियर पार्किंग कैमरा वाले फीचर्स मिलेंगे। तो ये तो होगी पंच ईवी के एक्सपेक्टेड फीचर्स की बात। चलिए अब इसके एक्सपेक्टेड प्राइजेस और एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च की बात करते हैं। टाटा मोटर्स पंच ईवी को 12 लाख से 16 लाख के बीच प्राइस कर सकती है और इसका एक्सपेक्टेड इंडिया लॉन्च अर्ली 2024 में है, और लॉन्च होने के बाद ये बाकी ईवीज के साथ कम्पीट करेगी। तो ये थी मेरी तरफ से अपकमिंग टाटा पंच ईवी से जुड़ी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।